व्यूअर्स, सो आने वाला है लॉन्ग वीकेंड और हम लोग फिर से हो चुके हैं इकट्ठे यहाँ पे चारों के चारों। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कश्मीर में साथ में थे और पिछले कुवारी पास में भी थे एक को छोड़ के। तो अभी है लॉन्ग वीकेंड क्योंकि शिवरात्रि की छुट्टी है ट्यूसडे को और मंडे को हम लोगों ने सबने ऑफ लिया है, तो टोटल हो चुके हैं 4 दिन। तो हम लोग जा रहे हैं इस बार फिर से हर्षिल, लास्ट टाइम भी गए थे लेकिन उसका ब्लॉग आउट नहीं हुआ था किसी रीज़न से, लेकिन इस बार हम लोग ज़रूर बनाएंगे उसको लेके। तो 4 दिन हम लोग का काफ़ी मज़े आने वाले हैं क्योंकि हर्षिल में आज मौसम वैसे भी ख़राब है तो बर्फ वर्फ रहेगी और मज़ा आएगा और पूरा हम लोग का गर्मी देती है चीज़ें जैसे कपड़े हो गए वो सब कुछ रखा है हमने, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, समझ जाइए आप। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी हम लोग देहरादून से भी निकल रहे हैं, लगभग अभी 7:30 हो रहे हैं, तो 220 किलोमीटर के आसपास है हर्षिल और हर्षिल में हम लोग का स्टे है और स्टे ट्यून्ड फॉर द प्लेस और रास्ते में काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। तो मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे तो रास्ते में भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ लेके हम लोग आते हैं ब्लॉग में फिर से। तो अभी हम लोग हैं सुबह खोली, एक जगह पड़ती है बीच में, हम लोग एक्चुअली आ रहे हैं टिहरी के रास्ते क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि 2 रास्ते हैं इसके, देहरादून से अगर आप आना चाहें तो एक नरेंद्र नगर से होते हुए आपको 46 वाला रूट पकड़ के फिर पुरानी ओल्ड टिहरी होते हुए वहाँ से, और दूसरा है आप मसूरी के रास्ते धनौल्टी होते हुए, धनौल्टी से पहले एक्चुअली कटना पड़ता है तो यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर है हर्षिल। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, ये जो व्यू है यहाँ का बहुत ही शानदार है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। हाँ भाई क्या खाना बताओ, ये है यहाँ का मेन्यू, आलू में प्याज मिक्स होगा। हाँ ठीक है, सबका एक एक लिया हो, चार लिया मैंने। नहीं नहीं, वैसे कहाँ होगा, हम आपका होटल में चार कार्ड भी है, पीस नहीं करता क्या? तो ठीक है, सुबह मिल जाए पराठे और मैगी तो अलग ही बात है और साथ में चाय। तो ये हमारे मतलब वो वाले ट्रैवलर है चिंबू भाई, हमारा वाला ट्रैवलर है जो बोलता है आई एम अ ट्रैवलर एंड आफ्टर 5 किलोमीटर ये देखो कैसे, अभी ये मैगी बिल्कुल जैसे खा रहा है ना वैसे बाहर निकलने वाली है देखो ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये केवल हर्षिल जाते हुए ट्रिप में, हर्षिल ट्रिप में होता है ये, और कहीं नहीं होता। अभी हम लोग हैं मिड रोड मतलब मिड ऑफ द जर्नी, यहाँ पे अभी 4600 एक जगह पड़ती है वहाँ मिलने वाले हम लोग, और यहाँ से थोड़ी देर के हम रुके थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए कि थोड़ा सा गाड़ी में काफ़ी देर से बैठे हुए, तो पहाड़ी रास्ता भी है और घूम सर घूम रहा सबका, तो एक काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। ये डैम, ये जो रिजर्वायर है टिहरी डैम का रिजर्वायर है, इसका पानी काफ़ी दूर तक रुका रहता है, तो 4600 जगह है नीचे वहाँ तक इसका पानी उससे थोड़ा और पीछे तक रुका हुआ है, और काफ़ी मौसम खुशमिजाज है आज, ठंड भी काफ़ी है और यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखो और देखो स्कूल के बच्चे हल्ला मचाते हैं, मज़े करते हैं बारिश में, काफ़ी मज़ेदार जर्नी है आज। अब वहाँ देखते हैं हर्षिल में कि कैसा मौसम रहने वाला है क्योंकि वहाँ पर भी बारिश का सीन है, तो शायद बर्फ़ ही पड़ जाएगी वहाँ पर, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी और काफ़ी बारिश है बाहर, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है बाहर निकलना, तो यह कि ठंड भी काफ़ी है और बारिश है, तो हम सोच रहे हैं लंच ही कर लें क्योंकि आगे उत्तरकाशी के आगे कुछ जगह हैं लेकिन आजकल सीज़न नहीं है, तो शायद वहाँ पे प्रॉपर लंच अच्छा ना मिले या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, सो आई एम जस्ट गोइंग आउट
देयर वो लोग लक्की नर्री और प्रदीप वेट कर रहे हैं बाहर, तो देखते हैं बाहर कैसा माहौल है। तो ये है अभी यहाँ का नज़ारा। तो हम लोग यहाँ पे खाने वाले हैं आज राजमा चावल, यहाँ का स्पेशल राजमा उत्तरकाशी के आगे उत्तरकाशी में। तो ये है कैसा लग रहा है राजमा चावल? मस्त है, मज़ा आ रहा है ना? सामने है वो, बस छोटे से ठेले में हम लोग खाना खाएंगे। तो हम लोग का लंच हो चुका फिनिश, और अब हम लोग उत्तरकाशी से यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास होगा हर्षिल। तो हर्षिल पहुँचने के बाद देखते हैं, 2-3 घंटे तो लगने वाले हैं यहाँ से, तो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी आगे की। रूट तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि BRO की रोड है। तो उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है, दिस इज़ अ व्यू ऑफ मार्केट। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही जा रही है, देखो बिजी रोड है, बिजी रोड। तो चलते हैं फिर आगे हर्षिल की तरफ को लगभग 2-3 घंटे में। टेढ़ी वाटरफॉल पे हम लोग हैं। ये एक्चुअली उत्तरकाशी से थोड़ा सा एटलीस्ट अराउंड 10 किलोमीटर आगे होगा थोड़ा सा। तो ये एक्चुअली ये है खेड़ी वाटरफॉल बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली यहाँ पे जो इससे पहले एक डैम पड़ता मनेरी, तो डैम के जस्ट पैरेलल में, ये नदी के पैरेलल में एक पानी का वो आता है, वो डिवाइड करके पानी को इसके नीचे नीचे, और यहाँ से आपका ये पानी बाहर निकलता है, तो एक वाटरफॉल टाइप का आ जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, दिस इज़ द व्यू। और ये गंगा जी साथ में चल रही हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ पहाड़ों में ये क्या चमत्कार होते हैं कहीं कहीं पे। दिस इज़ अ हॉट वाटर सोर्स है, ये देखो पूरा भाप निकल रही है गर्म पानी का, और ये बहुत ठंडी जगह है। अभी सामने देख सकते हैं पूरी बर्फ़ है इसके ऊपर। हाँ टेम्परेचर अभी होगा बहुत कम, 1 या 2 डिग्री के आसपास, और ये पूरा भाप निकलता हो। हाँ वहाँ पे 8-10 डिग्री टेम्परेचर। आपको ऐसे पे गर्मी चाहिए तो यहाँ आ जाओ मस्त तरीके से, ये जगह पे खड़े हो जाओ थोड़ी देर, गर्मी आ जाएगी मस्त वाली। ये ये जो जगह है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टी ब्रेक के लिए रुके हैं, क्योंकि पीछे आप देख सकते हैं जैसे ये पूरा बर्फ़ का एरिया पड़ेगा, वहाँ से शायद शॉप्स वगैरह भी नहीं मिलेगी हर्षिल तक। हर्षिल इज जस्ट, अभी हर्षिल होगा लगभग 25 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर से, और ये शॉप है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टी ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। तो देखते हैं आगे काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी है और देख ठंड भी ज़्यादा है। अभी हमने सुना कि 2 बाइकर्स जा रहे थे, तो दे और उन लोगों को काफ़ी ये लगा कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, ऊपर से बाइक में तो काफ़ी ठंड है, तो ऑब्वियसली लगेगा अगर इफ़ यू हैव फुल अरेंजमेंट, अच्छा अरेंजमेंट है बाइक्स वगैरह में अगर आने के लिए, तो आप आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, बाइक राइड तो हमेशा अच्छी होती है। तो ये जो व्यू है, और ये छोटा सा
चाय का ढाबा, तो यहाँ हम लोग पीने वाले हैं चाय और यह आग तापेंगे यहाँ पे। तो यहाँ का आप ये देख सकते हैं ना, यहाँ का आग का थोड़ा सा डिफरेंट वो है। ये आग जो जल रही है इसका धुआं अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसका धुआं है ये इसके जो पाइप है इसके सारे सीधा ऊपर निकल जाता है, चिमनी टाइप। तो आग की आग, गर्मी की गर्मी और मस्त रहता है यहाँ पे। तो ये देखें, ये यहाँ पे लकी हमारा चाय बेच रहा है, अब इसने नया काम शुरू कर दिया है। ये सबसे बढ़िया काम है एक्चुअली, यहाँ पे मस्त वादियों में रह के मज़े करो। सर कितना कितने कितने रुपए की चाय थी लकी भाई? 50 रुपये किलो। ये एक तो 50 रुपये ऊपर से किलो, वाह 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 वाह, ये सही है आपका। तो ये मस्त हमारी चाय बन गई यहाँ पे, ये मस्त वाली चाय। तो ले दे अब चाय का थोड़ी देर मज़ा, और फिर उसके बाद चाय के मज़े के साथ फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। आधा घंटा और लगेगा, आधा से पौना घंटा, क्योंकि थोड़ा बर्फ़ भी आगे फिसलन भी हो सकती है, तो कैसा होगा देखते हैं। वाओ, अदरक वाली चाय, मज़े आ गया ठंडी जगह पे पीने में। तो चाय कॉफ़ी मैगी यहाँ पे मिलती है, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट टाइप का इवनिंग स्नैक्स, कैन हैव इट हियर। ऐसी आई कि आज हमको काफ़ी फिसलन थी, और ये भाई लोग मेरे गाड़ी का धक्का मार के हम लोगों ने निकाली, लिटरली मतलब ऐसा हो गया था आगे निकालने के लिए। और थोड़ा मुश्किल तो है एक्चुअली, लेकिन ये कि बर्फ़ थोड़ा सा नरम है, अभी आज ही की पड़ी हुई है तो थोड़ा सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से हम लोग निकल पाए आराम से। एक बार हर्षिल पहुँच जाए तो कल परसों मौसम ठीक है तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अस, कल परसों थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो लेकिन आज बस ये है कि आज हमारा चैलेंज है कि हमको हर्षिल पहुँचना है कैसे भी। तो और बाहर का नज़ारा देखो, बाहर का नज़ारा खतरनाक है। हाँ हाँ, तू दबना जाएगा। तो ये देखिए, ये हो रहा है यहाँ पे, बर्फ़ पड़ी है और लौंडे लगे पड़े हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, मैं इसलिए गाड़ी के अंदर हूँ क्योंकि ये गाड़ी भी हमको निकालनी है, अभी फंसी हुई है थोड़ा सा। तो अब देखिए, स्कॉर्पियो वाला तो निकल जाएगा आराम से, ये आराम से निकल जाएगा। अब है हमारा नंबर, सो लेट्स गो। रेडी, मजा आ रहा है, मजा बहुत ही ज्यादा। अरे 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 अरे, कर गए भाई, कर गए। हां ये बना तू, बना भाई बना। अरे बन रहा, नेक्सॉन देखिए, नेक्सॉन फंसी है और अब हम दिखाएंगे नेक्सॉन की पावर। ये है टाटा की पावर।
लगभग 10 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ के लिए, और बर्फ़ ज़्यादा पड़ चुकी है, काफ़ी बर्फ अभी भी पड़ रही है, स्नोफ्लेक्स, और 2-3 बार हम लोग का गाड़ी थोड़ा सा स्लिप भी हुई है। वो है कि थोड़ा सा मतलब कंट्रोल्ड था, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हुआ है, बट कंट्रोल था एंड इट वॉज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये तीनों के दिनों तो लगे हुए थे मस्त तरीके से, धक्का मारे पैसेंजर गाड़ियों को कुछ नहीं दिख रहा भाई और गाड़ियों को भी मस्त धक्का मारते मस्त तरीके से। हमने बहुत सारी गाड़ियां जो फंस रही थी, बहुत सारी गाड़ियों की हेल्प करी, क्योंकि हमें लगा कि सबके हेल्प करने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है ना। तो अभी बस हम लोग 1 किलोमीटर और होगा हर्षिल ज्यादा से ज्यादा, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बस हमको लाइट्स वगैरह तो दिखने लग गई हैं, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस, सी यू वेरी सून, मजा। तो अभी है एक्चुअली अंधेरा है काफी, तो हम अभी पहुंचने वाले हैं GMVN। रास्ता काफी बर्फ से भरा हुआ है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, विल शो इन सम लाइट्स। तो ये अभी यहाँ का माहौल है, बर्फबारी लगातार बर्फबारी हो रही है यहाँ पे मॉर्निंग से, तो रुक रुक के हो रही है एक्चुअली, इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही है। तो मे बी शायद कल वेदर ने इतनी कंडीशन ऐसी दिखाई है कि शायद मे बी कल वेदर अच्छा रहे, धूप रहे, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एक्चुअली, मतलब वी कांट डिस्क्राइब, हम लोग इसको बयान नहीं कर सकते एक्चुअली। दिस इज़ अ गेस्ट हाउस अभी, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है चारों तरफ। ओ नाइट व्यू, इट्स अराउंड 9:15 PM। आजा आजा आ गया।